माय चैनल, मेरा नाम है जिगरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द जी वाइंस। आज की वीडियो एक क्यों मैंने वीडियो है क्योंकि मैंने थोड़े दिनों पहले अपनी वीडियो में भी कहा था कि आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें और मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अलग से वीडियो भी बनाई थी, ये तो उसके मुझे सवाल आए तो आज मैं उसके जवाब दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो मैं अपने यूट्यूब के कमेंट्स में से ले रहा हूँ, ये है अमर मलिक का, यहाँ पे आ रहा होगा। तो उनका है व्हाट इज़ योर एज। तो यार मेरी एज है 14 ईयर्स ओल्ड, मेरी अगस्त में बर्थडे आती है तो अब अक्टूबर का महीना है तो तकरीबन 2 महीने हो गए हैं मेरी बर्थडे को गुजरे हुए, तो मैं 14 ईयर्स ओल्ड हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अहमद का, आपको यूट्यूब पे सबसे अच्छा ब्लॉगर कौन लगता है। तो इन्होंने पूछा कि मेरा फेवरेट ब्लॉगर कौन है। तो यार मेरा फेवरेट ब्लॉगर एक नहीं है, मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट ब्लॉगर्स हैं क्योंकि मैं ब्लॉग वगैरह ज़्यादा शौक से देखता हूँ। तो पाकिस्तान में से मेरे फेवरेट ब्लॉगर इरफान जुनेजो हैं, मतलब कि इरफान जुनेजो शायद मेरी इंस्पिरेशन भी आप उन्हें कह सकते हैं। तो लेकिन और भी काफ़ी मुझे पसंद हैं ब्लॉगर्स। तो मैं 1 से 5 तक अगर रेटिंग करूं कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, तो फर्स्ट पे तो आएंगे इरफान जुनेजो और शावीर जाफरी, क्योंकि इरफान भाई की कोई भी वीडियो है या शावीर जाफरी की कोई भी वीडियो है तो मैं मिस नहीं करता, मैं फ़ौरन देखता हूँ। तो और मुझे पसंद भी बहुत है उनका स्टाइल, बहुत अलग अलग है दोनों का स्टाइल, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये फर्स्ट नंबर पे। आपका अलग ओपिनियन हो सकता है और मेरा अलग ओपिनियन है। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं इरफान जुनेजो और शावीर जाफरी, सेकंड पे आते हैं इरफान शेख फिल्म, वो उनका भी मुझे बहुत अच्छे व्लॉग्स लगते हैं। थर्ड पे आते हैं द शहजाद शो, आजकल वो वीडियो पता नहीं क्यों नहीं अपलोड कर रहे लेकिन उनके भी मुझे बहुत अच्छे व्लॉग्स लगते हैं। और आजकल मैंने एक्सप्लोर किया एक और चैनल हमज़ा अमीर, उनके भी चैनल्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इन लोगों को नहीं जानते तो यार आप जानते किसको। चले मैं इन सब के फिर भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप उधर से जाके इनके चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर मलिक का, दोबारा इनका एक क्वेश्चन आ गया है, हाउ मैनी सिबलिंग्स आर यू, मतलब कि वो पूछेंगे आपके कितने बहन भाई हैं। तो मुझे मिला के हम 4 बहन भाई हैं और एक हम 3 भाई हैं और एक बहन है, सही है, ये आपका जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है MBS वीडियोस का, कैन यू डू योर यूट्यूब सेटअप ट्यूअर। तो वो कह रहे हैं कि आप क्या यूट्यूब सेटअप ट्यूअर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मैं यूट्यूब सेटअप ट्यूअर भी करूँगा क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछे कि आपका सेटअप क्या है, आप कौन सा एडिटर वगैरह यूज़ करते हैं। वो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन ये यहाँ का सेटअप क्या है सारे माहौल का, तो ये भी वीडियो जल्द आएगी। अब आपने कहा है तो लानी तो पड़ेगी ना दाजी स्क्वाड। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोबारा अमर मलिक का ही है, इन्होंने 3 दफ़ा अलग अलग क्वेश्चन पूछे। तो अब इनका तीसरा क्वेश्चन है डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, को क्या इन्होंने पूछा कि आपको क्या क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो यार मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी को क्रिकेट खेलना नहीं पसंद होगा क्योंकि पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे फेसबुक पे क्वेश्चन आया था अक्सा खान का कि ये आपने कैप कहाँ से लिया। मैंने पिछली वीडियो में भी यही कैप पहनी हुई थी जब मैंने Q&A अनाउंस किया था फेसबुक पे, तो उन्होंने पूछा ये आपने कैप कहाँ से ली है। तो ये मैंने कैप ली है लंडे से, आवाज़ आई, ये कैप मैंने ली है मेरे घर के पास ही एक स्टोर है राइजन, ये मैंने उधर से लिया। उधर बहुत अच्छी कैप्स की मतलब कि वैरायटी होती है और वो मतलब कि जनरल स्टोर है लेकिन उधर कैप्स वगैरह भी होती हैं, तो ये मैंने वहाँ से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाइस्ता जफर का कि आजकल आप सियासत पे कुछ नहीं कह रहे। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं सियासत पे फनी स्किट्स बनाता था, तो शायद आगे जाके और स्किट्स आएँ या शायद ब्लॉगिंग ही आए, इसका अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह मैं
जितना अच्छा मुझसे हो सके उतना अच्छा मैं कंटेंट आप लोगों के सामने लाऊंगा। अच्छा जी, तो जो अगला क्वेश्चन है वो है हसन कुरैशी का, कोई अच्छा सा अपनी पसंद का गाना ही सुना दें। तो मुझे इतना अच्छा गाना गाना तो नहीं आता, ना मेरी इतनी अच्छी कोई वॉइस है, लेकिन आपने कहा है तो सुनाना तो पड़ेगा। अच्छा जी, तो अब मैं गाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये गाना अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सुनेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये गाना सुनने के बाद किसी की तबीयत खराब हो। तो गाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। जिस हिसाब ना हस दिया वो लगदी पंजाब दिया, जिस हिसाब ना तक दिया कुड़ी दा पता करो किड़े पिंड दिया किड़े शहर दिया लगदी लाहौर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है नफीस कुरैशी का, मासी मुसीबतें की एक्टिंग करके दिखाओ। तो आप में से अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आया ये मासी मुसीबतें क्या है, तो ये एक पीटीवी का ड्रामा था, उसमें ये अंकल सरगम उसमें ये एक करैक्टर था। तो ये मुझे भी नहीं पता था, ये मैंने अपनी मामा से जाके पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये एक करैक्टर है। तो मैंने नेट वगैरह पे सर्च वगैरह किया, मुझे तो नहीं मिली इसकी कोई वीडियो जो मैं आपको एक्टिंग करके दिखाऊँ, तो सॉरी मैं इसकी एक्टिंग नहीं कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहेब खान का, हाउ आर यू प्लानिंग टू गेट मोर लाइक्स। तो उन्होंने पूछा है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं और लाइक्स हासिल करने के लिए। तो असल में मेरी प्लानिंग ये है कि मैं व्लॉग्स के साथ साथ और कोई चीज़ भी स्टार्ट करूं। मैंने बीच में अनबॉक्सिंग की भी दो वीडियोस बनाई हैं, और मैं सोचूं और कोई अच्छा कंटेंट लाऊं ताकि मुझे और लाइक्स मिल सकें। और लाइक्स की असल में बात नहीं है, मैं अपने शौक़ के लिए वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप प्लीज़ उसे लाइक किया करें, मुझसे जितना अच्छा हो सके मैं उतना कंटेंट आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है मोमिल क्रेजिंस विद मोमिल ने, हु इज़ योर फेवरेट फुटबॉलर एंड हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया। तो जहाँ तक बात है फेवरेट फुटबॉलर की, तो फुटबॉल वैसे मैं इतने शौक से देखता नहीं हूँ, लेकिन खेलता शौक से हूँ बाहर भी और अंदर भी PS4 पे। अगर आप चाहते हैं मैं गेमिंग वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो मेरा फेवरेट फुटबॉलर मेसी और रोनाल्डो में से कोई एक ही हो सकता है, और वो है रोनाल्डो। रोनाल्डो की मुझे जो वो क्या कहते हैं लुक्स वगैरह भी बहुत अच्छे लगते हैं, और मतलब के बहुत अच्छा फुटबॉलर है रोनाल्डो। तो मुझे रोनाल्डो मेरा फेवरेट लोकर है। और जहाँ तक बात है हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया, तो फेवरेट यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया की जहाँ तक की बात है तो वो लाइव इंसान और ट्रिगन इंसान है। अगर आपको इनका नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। लाइव इंसान पे वो ऐसे गेमिंग वीडियोस बनाते हैं, और ट्रिगन इंसान पे मतलब कि वो रोस्ट वगैरह करते हैं, और उनका रोस्ट बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो मतलब के गालियों के बगैर वाला रोस्ट होता है और बहुत ही अच्छा रोस्ट वो करते हैं। तो अगर आप उनका चैनल देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यही सवालात का सेशन ख़त्म होता है, Q&A यहाँ पे ख़त्म होता है वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर किसी का सवाल रह गया हो तो सॉरी, आप इस वीडियो के नीचे दोबारा कमेंट्स कर सकते हैं, मैं किसी भी वीडियो में डाल लूँगा थोड़ा सा सेशन Q&A का। तो आप इस वीडियो के नीचे और सवालात पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।